ये हमारा इंडिया है, ये जो ये पहाड़ इंडिया का है और ये उसके सामने वाला पहाड़ पाकिस्तान का है। हमने जाना है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। हमने जाना है इस जगह, जाना है हमने इसके नीचे सेंटर पे, ये येलो सी लाइन है। अभी हमने लोकल से पूछा तो यहाँ से ज़ियारत का रास्ता आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। धूल मिट्टी, तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। आधा रास्ता कवर कर लिया हमने, कोई 10-15 मिनट 20 मिनट का रास्ता रह गया और हमने जाना है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। हमने जाना है इस जगह, जाना है हमने रास्ता पास ही है लेकिन रोड की बहुत बुरी हालत है, वो इसलिए टाइम लग रहा है। थैंक गॉड अच्छी रोड आ गई। अब तो हमने सीधा ही जाना है। यहाँ पर रोड बिल्कुल परफेक्ट बनी है। पुंछ सिटी और यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं 250 किलोमीटर यहाँ पर आया हूँ गाड़ी चला के ताकि ये राइड पे जा सकूँ। कितना धुआं छोड़ रही है बस, क्या मज़ा आ रहा है राइड करने का यार, ज़बरदस्त रोड है। अगर प्रॉपर रोड बनी हो तो राइड में बिल्कुल कंफर्ट आ जाता है। यहाँ पर तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बेसिकली जब पीक विंटर्स होती है तो ये रोड पूरी बर्फ से भरी होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज़्यादा। भाई ज़ियारत का रास्ता कहाँ से है? हाँ, यहीं से है ना भाई, फोटो खींच दो। अभी मैंने एक लोकल से पूछा तो वो कह रहा है कि यहाँ से ज़ियारत 1 किलोमीटर दूर है।
पाँच छः मिनट में हम पहुँच जाएंगे ज़्यारत। ओ भाई देखो रोड टूट गई पूरी, यहाँ से रोड नीचे ही गिरी। ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के पहाड़ हैं। ये LOC लाइन है बिल्कुल इसके नीचे सेंटर पे। ये हम पहुंच गए यहाँ पर साईं मीरा ज़ियारत। और हमने वो ऊपर जाना है, अभी टाइम हो चुका है 2:50 और हम घर की साइड जा रहे हैं वापस। यहाँ पर रोड अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर बाइक थोड़ी तेज़ भी चला सकते हैं। आगे तो रोड की बहुत बुरी हालत है। वैसे जितने भी रॉयल एनफील्ड के बाइक मैंने चलाए हैं तो सबसे अच्छी कॉर्निंग इस बाइक में हो रही है। उसके पीछे रीज़न है इस बाइक का वेट। आई थिंक इस बाइक का वेट अराउंड 170 kg होगा। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ इंडिया का है और ये उसके सामने वाला पहाड़ पाकिस्तान का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बॉर्डर कितना पास है, आमने सामने है। अभी हम नंगाली साहब गुरुद्वारा वापस पहुंचने लगे हैं। क्या ज़बरदस्त रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और नैरो रोड है और बिल्कुल छोटे छोटे कर्व हैं। ये आ गया नंगाली साहब गुरुद्वारा। यहाँ पर हम सुबह गए थे मत्था टेकने, सुबह हम यहाँ से अंदर गए थे। यहाँ से हार्डली पुंछ सिटी 15 मिनट का रास्ता है। मज़ा आ गया आज राइड करने का, आज बिल्कुल नई लोकेशन थी। सो अब मैं पहुंच गया हूँ वापस पुंछ सिटी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। टिल देन अपना ध्यान रखो और इंजॉय करो लाइफ को।